मजेदार कड़क है। मारो अटैक अटैक शाबाश 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 मारो। क्या लग रहा है, सच में डेंजरस लग रहा है ना? मार डाल। नहीं बड़ा जी। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर जम्लू। नहीं नहीं Assalamualaikum YouTube Familian, welcome back to another Chameleon. सबसे पहले शीन मुबारक, शीन दिखाते हैं इनको पहले। ये देखिए गाइस, ओह 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 क्या शीन है यार, बहुत मजेदार शीन आप देख सकते हैं। तौफीक ओए होए होए होए। गाइस अभी हम हैं बड़गाम में और हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमारी चाची जो है वो बहुत ज्यादा बीमार है, उनकी सेहत बहुत खराब है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा उनके लिए दुआ कीजिए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मजेदार बर्फ है, फाइनली बर्फ पड़ गई। और अभी हमको घर जाना है तो वहाँ पे भी बर्फ पड़ी है, लेकिन उतनी नहीं पड़ी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पड़ी है। तो तौफीक भाई, तौफीक भाई आप क्या लिख रहे हो? ये YouTube YouTube फमलू। ओह 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 ये देखिए तौफीक बर्फ में YouTube फमलू लिख रहा है यहाँ पे। चल हमारा बहुत मन हो रहा है बर्फ में खेलने कूदने का और बर्फ का गुड्डा बनाने का, लेकिन अभी हमको घर जाना है तो घर जाके हम बनाएंगे। मुझे लगता है वहाँ बर्फ पड़ी होगी, सफिशिएंट बर्फ पड़ी होगी जिससे हम गुड्डा बना सके, अदरवाइज ऐ तेरी चला ही तो किसे फंस गया। तौफीक 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 तो माम जान को मार बर्फ। मजेदार कड़क है। नहीं, बर्फ का नशा कर लिया, अब हम घर जाएंगे, कपड़े पहनेंगे, फिर घर जाएंगे अंकल के साथ और फिर घर जाके हदील को बर्फ में दफना देंगे। बच्चों को क्या खेलने में एक्सपर्ट। देखो बच्चे को कैसे हंसाते, तुझे नहीं आता? देख देखो अम्मा, आप उड़ोगी उड़ोगी। क्या खाना है? फोन खाना है? भूख लगी है, भूख लगी है, फोन खाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मजेदार कैसा कैसा मजा है फोन में? मजेदार अभी आपको बर्फ में आना है हमारे साथ, आपको खेलना हमारे साथ, आपको आना है बर्फ में हमारे साथ? क्यों मैं नहीं आ सकता, मेरा शूज गीला हो गया। तो क्या मैं नहीं आ सकता? गीला शूज लगा के भी जा सकते हैं। तो गाइज अभी मैं नाफ मतरा रहा हूँ क्योंकि मेरी नाफ डल गई है, पता नहीं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दर्द था तो इन्होंने मेरी नाफ मतराई और इससे मुझे थोड़ी इम्प्रूवमेंट लगी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पेन थी। ये देखिए नाफ कैसे मतराई। आपने बर्फ देखी? अभी हम घर निकल गए और दुआ करता हूँ कि घर पे भी ऐसी बर्फ हो, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अभी हम घर आ गए और यहाँ पे भी बर्फ पड़ी है थोड़ी बहुत, लेकिन उतनी नहीं है, बहुत कम है। वो ये देखिए, ये क्या है? इसमें हमारा शिन गुडिन बनेगी? नहीं, आपको क्या लगता है इसमें शिन गुडिन बना सकते हैं हम? हाँ भाई बनाएंगे, हम वहाँ है ना छत पे, वो भी जमा करेंगे। तौफीक भाई कुछ अर्ज हो जाए। अर्ज नहीं है, बट मेरी प्रेम कहानी बिल्कुल इस बर्फ जैसी है। वो कैसे? वो कैसे?
पहले थी वो नरम फिर हो गई वो दर, पहले थी वो नरम फिर हो गई वो दर, जब मैंने एक बार उसकी टोपी उठाई वो निकली खर। तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं शॉप पे क्योंकि वहाँ पे मुझे मेजरमेंट लेना, जो बोर्ड होता है ना आगे का दुकान का, उस बोर्ड पे जो अल्फाबेट्स लगेंगे पीचेस के, तो उसका मेजरमेंट लेना है मुझे बोर्ड का, ताकि उसी हिसाब से अल्फाबेट भी काटे जाए। तो चले चलते हैं पहले मेजरमेंट लेते। ये देखिए गाइस इसका मेजरमेंट लेना है 14 इंच। अब लेंगे इसका मेजरमेंट कितना है, ये देखिए 11 फुट 1 इंच। यहाँ पे हमारी नौकर दरवाजा खोल रही है हमारे लिए। मारो मारो इसको, मारो मारो मारो, अटैक अटैक, शाबाश शाबाश शाबाश, मारो मारो मारो, छोड़ना नहीं हदील को। यहाँ पे हदील की फ्रेंड्स ने हदील पे बहुत बड़ा हमला कर दिया बर्फ का। अब मेरी बारी दोस्तों, आप देख सकते हैं धूप कितनी तेज हो रही है और यहाँ पे सारी बर्फ पिघल रही है, और यहाँ पे उतनी बर्फ नहीं कि हम एक प्यारा सा गुड्डा बना सके, है ना हदील? हम छोटा गुड्डा बनाएंगे, हम छोटा गुड्डा बनाएंगे, बड़ा गुड्डा नहीं बना सकते। और मैं पहले बर्फ मेजर करूंगा कि हमारे घर से कितनी बर्फ पड़ी है। ये देखिए गाइस 1.5 इंच की बर्फ पड़ी है, ओनली 1.5 इंच। वहां पे कितनी की है? वहां थी 7 इंच। ये पैर से कितनी बर्फ जमा हो गई है? देखो देखो मैं कितने इंच का हूं। हेलो, एक और ट्राई, निकल गया जूते में से। 5 फुट 8 इंच। मैं हूँ 4 फुट 10 इंच। मैं इतना छोटा हूँ? मैं हूँ 4 फुट। इतना छोटा हूँ मैं, इतना छोटा। इस हदील को ट्यूशन जाना है, ये अभी गुड्डा नहीं बना सकते हम, लेकिन वहाँ से जब ये आएगी फिर हम गुड्डा बनाएंगे। हदील जाओ ट्यूशन। पट्टी से हैंड शॉट। यस, पट्टी से हैंड शॉट। जाओ ट्यूशन। तो गाइज अभी शाम हो गई और मैं दिन भर बिस्तर में लेटा हुआ था क्योंकि मुझे नाफ डिजमिस थी जैसा कि मैंने आपको बोला था, और बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी मुझे, तो मैंने ना कुछ खाया ना पिया, बस दर्द सह रहा था। तो अभी मैं आया पार्क में हदील के साथ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ ही गायब हो गई है सारी। ये देखिए थोड़ी सी बर्फ है और हदील इसको यूज़ करके एक गोला बना रही है ताकि हम छोटा सा गुड्डा बना सके बर्फ का। एक चुटकी बर्फ की कीमत तुम क्या जानो, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शुपेन, बडगाम, गांदरबल, बांडीपोरा, बारामूला, कुपवारा वाले बाबू, देखो टूट जाएगी ध्यान। आप देखिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है एक कलहिर बनाने के लिए। देखिए शिनगुडन का सर, एक एक इंच हमें यूज करनी पड़ रही है। ये देखिए ये शिनगुडन नहीं बनेगा, ये शिन मोहनू बनेगा। हाथ ही फट गया मेरा। देखिए थोड़ा सा कोयला चाहिए मुझे क्योंकि मुझे शिनगुडिन का मेकअप करना है, नाक आंखें मुंह बनाना है। ये देखिए हमारे बर्फीले टिड्डे की बॉडी तैयार हो चुकी है। ये देखिए इसको तो घास आ गया, कोई बात नहीं साफ करेंगे। अब हमको इसका सर लाना है। चलो ये है सर, उठाओ हदील। और हदील आज जादू बनी है क्योंकि ये कोई मिल गया 3 में रोल करने वाली है जादू का। उठाओ, अरे बस इतना बड़ा बॉडी से बड़ा सर बनाना है। काटेंगे ना थोड़ा। शाबाश। ओ ओलाफ जैसा है थोड़ा। इसकी जॉ निकालेंगे यहाँ से, इधर से। अब काट जाएगा ध्यान से। अरे नहीं काटेगा इसका जॉ, और आगे से भी थोड़ी हाई। देखा बोलना था ना? इसको मुंह ही निकल गया। थप्पड़ मत मारो बेचारे को। इसका नाम हम नन्नू रखेंगे। नहीं नहीं, इसका नाम रखेंगे फजल बख्श। इसका नाम फजल बख्श रखेंगे। फजल बख्श, अगर असली फजल बख्श देखेगा ना किसको फजल बख्श नाम रखा तो वो क्या करेगा, वो रोएगा। तो गाइस सबसे पहले हम इसका नाम डिसाइड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लास्ट व्लॉग का कमेंट सेक्शन खोला, तो मैं स्क्रॉल करूंगा और जिस कमेंट मुझे नजर पड़ेगी वो इसका नाम होगा। ठीक है, 3 2 1 गो स्टॉप। डेंजरस जेट, इसका नाम डेंजरस जेट रखेंगे। ठीक है। हाय डेंजरस जेट। ओए डेंजरस जेट, तू तो बहुत ही कम डेंजरस लग रहा है।
सबसे पहले हम इसकी बाजू लगाएंगे क्योंकि बर्फ की किल्लत है तो हम बाजू अरेंज नहीं कर सकते। तो ये लगी इसकी पहली बाजू। जट ओए, ये देखो अब लग रहा है सीधे ऑक्टोपस जट, डेंजरस जट। की आंखें भी डेंजरस लगनी चाहिए तो हम इसकी आंखें पहले डेंजरस आंखें बनाएंगे, गुस्से वाली, ऐसी और ऐसी। अब ये सच में एलियन लग रहा है, पहले प्यारा लग रहा था, बराबर चचोर जैसा, ताकि लगे गुस्सा कर रहा है। देखो ये रहा इसका आधा मुंह और नहीं पूरा यही, हाँ इसका मुंह ही काट गया। ये सुबह तक पिघल गया होगा डेंजरस जेट। हला गाइस लुक एट द डेंजरस जेट, क्या लग रहा है, सच में डेंजरस लग रहा है ना। ओह जेट तो अर्ज किया है कि डेंजरस जेट तुझे सब्सक्राइब करना था, तेरे खाली कमेंट का क्या अचार डालूंगा। डेंजरस जेट तुझे सब्सक्राइब करना था, तेरे खाली कमेंट का क्या मैं अचार डालूंगा। ओ डेंजरस जेट अब मैं गुस्से में आके तुझे मार डालूंगा। नहीं तो गाइस ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, मुझे नाव डल गई है। दुआ करना और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना।